स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज हल्द्वानी की जो रुद्राक्ष गार्डन है वहां पे उज्जाऊ कुमाऊं समिति की ओर से एक सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें जो युवाओं को अपनी जो भाषा है उसको बोलने के लिए प्रेरित यहां किया जा रहा है। जहां आजकल जो युवा है अपनी भाषा से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां आपने अमूमन भी अपने आसपास देखा होगा जो यूथ है कहीं ना कहीं पहाड़ी बोलने में झिझकता है, शर्माता है, उसी को लेकर यहां पे जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कि ऐसे में जो युवा है ना शर्माए और अपनी भाषा के लिए इतना गर्व महसूस करे, इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए कि वो अपनी भाषा गर्व के साथ बोल सके। और इसी के चलते यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो चलिए इस कार्यक्रम के जो संचालक हैं उनसे बात करते हैं, अध्यक्ष से बात करते हैं और सभी लोगों से बात करके आपके सामने पूरा कार्यक्रम रखते हैं कि आखिर कार्यक्रम क्या है, क्या इसमें हो रहा है और पूरा जो सार है वो जानने की। तो हमारे साथ अभी उत्तराखंड की जानी मानी हस्ती आरजे काव्या मौजूद है। चलिए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे कार्यक्रम रहा है जहाँ युवाओं को अपनी भाषा से जोड़ने के लिए यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कैसा उनका अनुभव रहा है और क्या लगता है उनको कि ऐसे कार्यक्रम कितने उत्तराखंड में होने चाहिए। नमस्कार सर। सर आप यहाँ मौजूद हैं आज, पहले बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा कार्यक्रम का? बढ़िया छो यार, ईदू झड़िया जुड़ रही और कुमाऊनी भाषा लीजिए उजाओ कने उनर कार्यक्रम छू और बढ़िया लागो जतुल हमारे चिर परिचित लोग छी यहाँ अराछी और ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं इन्हीं से बड़े बदलाव होते हैं, तो शुभकामनाएं मेरी सभी टीम को। जैसे कि अमूमन देखते हैं कि अगर कोई और भाषा की बात करूँ तो हर कोई जो बच्चा हो या कोई अपनी भाषा बोलने में नहीं शर्माता, लेकिन उत्तराखंड में देखा जाता है कि अपनी भाषा के प्रति एक थोड़ी सी झिझक रहती है, क्या कारण रहता होगा उसका आपके अनुसार? मैं कह यस लागू यार, पहली बटी देखिए एक खूबसूरती हमारे उत्तराखंड में, हम बाहर की चीज़ों को मेहमानों का स्वागत बड़े अच्छे से करते हैं, तो वैसा ही मुझे लगता है भाषा के साथ भी हुआ और बाकी चीज़ों के, हमने उनका तो स्वागत किया लेकिन अपने वाले को भूल गए। पर अब जो है परिवर्तन होना और स्पेशली जैसे मैं अल्लाह भदेल को नौची कि पिछड़ 8-10 साल में और ख़ासकर इंटरनेट जब बढ़ो तो यहाँ लोग जो भैर रोनीन या दूसर जाक मिले तो प्रचार प्रसार बढ़िया हरो, गीत संगीता माध्यमल, ऐपणा माध्यमल और हमारी ये पिछौड़ा हो गई बोली भाषा, खान पीना बात होने, पहनावा बात होने, तो मैं ख्याल आप तो पॉजिटिव बदलाव होने और यह इसका हगिल बढ़ल मैं उम्मीद कर। जैसे कि हम पहाड़ों की साइड देखते हैं तो वहाँ जो बच्चे होते हैं वो तो अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जो भावर की ओर आते हैं तो वो कहीं ना अपना जुड़ाव छोड़ देते हैं, तो पलायन भी इसका कारण रहता है? ना पलायन भाषा से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस देश के कई राज्यों और शहरों में मैंने काम किया है, दिल्ली, जोधपुर, कानपुर, जयपुर, कलकत्ता, बॉम्बे और बहुत सारे शहरों में घूमा हूँ। उन शहरों के राज्यों के नागरिकों को मैंने जहाँ भी पाया है उन्होंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ एक दिक्कत ये ज़रूर है कि जब हम गाड़ी में बैठ लूँ ना आनंद विहार उतर लूँ तो सबसे पहले हम अपने कल्चर और उसको ही छोड़ते हैं और उस शहर जैसा हो जाना चाहते हैं। हम ये नहीं समझन कि हमारी पहचान जो पहाड़ के लोगों की है, आपके लुक से लेके, भाषा से लेके, आपकी बोलचाल, आपका बिहेवियर, वही तो आपकी पूंजी है। आप उसी को छोड़ देंगे तो आपकी क्या USP क्या रह जाएगी? तो पलायना उन है वो मैं ख्याल एक थोड़ा ना मन में संकोच जा कि यार दुनिया में यो भाषा बुलानी, हम कहें पिछाड़ तो नहीं थी, स्वाभिमानी होइए। जिस दिन तुम अपन बोली भाषा के स्वाभिमान दगड़ में ओनरशिप के साथ उसको लेंगे तो उस दिन चाहे तुम कह लो रौला जब तुम्हारी भाषा नहीं छूटे। आप युवाओं को जो आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी भाषा के लिए? गिरीश तिवारी गिरदा की लाइनें हैं गागर में सागर वाली की, ततुक नी लगाओ देख घुनन मुनई नी टेक जता, एक दिन तो आलो दुनिया दुनी में। तो वो दिन वो वाला आएगा जब आपकी संस्कृति सभ्यता के बारे में दूसरे लोग जानना चाहेंगे। जिस तरह से हमने दुर्गा पूजा को अडाप्ट कर लिया, हमने बाकी चीज़ों को किया है, छठ बड़े अच्छे से यहाँ मन रही है, लोहड़ी को हमने अडाप्ट कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि दूसरे राज्य भी तब वो करेंगे जब आप उतनी ओनरशिप के साथ उनको उसमें जोड़ेंगे। तो संदेश तो यही है यार, आपकी संस्कृति सभ्यता संस्कारों से ही आपकी पहचान है, उगे हगील ले जाओ। नमस्कार, पहला प्रणाम सर। यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो भाषा से जुड़ा है कार्यक्रम में, कहने का जो युवा आजकल अपनी भाषा को पीछा छोड़ता हुआ नजर आ रहा है और खासकर जो कुमाऊनी या जो उत्तराखंडी भाषा है, कैसा आप अनुभव आपने का कैसा रहा यहाँ पे बताइए पहले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अपनी कुमाऊनी भाषा में बोलना पसंद करूँगा। बिल्कुल, आप जिस भाषा में बात करें। धन्यवाद, आपने परमिशन दी। यशु कि आज हमारे जो नानतिन जी ना वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ गिन जाते और वो हमारे कुमाऊनी भाषा का वो माहौल एक नहीं बढ़ पाना और आज जो दीपक भाकुनील जो पहल कर रहे हैं ऊर्जा संस्था तरफ बटी
वो एक काबिले तारीफ छू। मैं अपन दिल गहराई बेटी इनको धन्यवाद ले देना चाहूँ कि लेकिन यश कार्यक्रम मेरे नजर में तो नहीं होया आज तक। और हुना और मिल इन्हों बात कर रहे हैं कि हम प्रोत्साहन करूँ और ले जदू लोग युवा संस्था में काम करने भाषा में उनको बढ़ावा दूँ और हमको अपन अंतना कर ले पहाड़ी कुमाऊनी भाषा अपन लोक भाषा का जरूर समर्थन करना चाहें और जरूर ऊक लीजिए एक क्रैश कोर्स टाइप जो जरूर धरना चाहें। आपको कारण क्या लगता है कि जो युवा है अपनी भाषा पीछे छोड़ता जा रहा है, क्या कारण आपको क्या लगता है आपके अनुसार? सबसे ज्यादा जो कारण छू पलायन, क्योंकि जैसे हम अपन संस्कृति अपन पहाड़ छोड़ के बाहर होना जो फिर हमको हमें मजबूरी है जहाँ कि हमको वहाँ का माहौल हमको अडॉप्ट करना पड़ो। ठीक है, अगर हम दिल्ली में जुना दिल्ली में कदू लोग पहाड़ी जाननी कम लोग जाननी तो हमको फिर वो हिंदी अंग्रेजी पंजाब सब भाषा समझना पड़नी। इसके हम महाराष्ट्र में जानो जो वहाँ मराठी सीखना पड़ो, तो ये लीजिए हमें पहाड़ी भाषा रुक जाए बछिन रह जाए। और सब वे कारण ये छो कि जो हम अभी पहली जो पीढ़ी आ रही उन्होंने पहाड़ी भाषा का तवज्जो नहीं दी। आज जरूरत छू जो वहाँ पहली बिटी छिन उन लोगों को इधर जनसंख्या हमारे शहरों में छू मुंबई में छू दिल्ली में छू पंजाब में छू उनको अपन कल्चर समित उनको बचुना लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन करन पड़ल और अपन आपस में जब लब मिलो पहाड़ी में ही बात करनी चाहिए कुमाऊनी भाषा में बात करनी चाहिए। जैसे आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया ये काफ़ी सराहनीय है। इसके अलावा आपको लगता है जैसे आपने पलायन की बात की तो इसके अलावा क्या उपाय हो सकता है कि जो युवा है अपनी जड़ों से जुड़ा रहे भाषा को ना छोड़े? यस सुना कि मैं दिल्ली में एडवोकेट हूँ और मैं पहाड़ में मैं आपको हिंदी में बताता हूँ क्योंकि सारे लोग समझ पाएंगे इसको। मैं दिल्ली में एडवोकेट हूँ, टैक्सेशन कंपनी लॉ के ऊपर मेरी प्रैक्टिस है, करीबन 20-25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट द थिंग इज मैं इसके बावजूद भी सोमेश्वर में मेरा एक बगीचा है और 9 नवंबर 2021 को मुझे CM साहब से अवार्ड भी मिला था कि इस तरीके का काम मैंने वहाँ पर किया है। लोची लैब पर लगाया है मैंने 3,500 प्लांट है, तो उन 3,500 प्लांटों को वो मैंने सिर्फ एक मॉडल इसलिए नहीं किया कि लोगों को दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं उससे पैसा नहीं कमाऊंगा, पैसा भी कमाऊंगा, बट ये लोगों को ये समझाने के लिए कि आपने जो ज़मीनें भूमि छोड़ दी हैं बंजर छोड़ के उसको बाहर की तरफ चले गए हो, उस ज़मीन को उर्वरकता दोबारा से बढ़ाने की ज़रूरत है। उसको अगर बंजर कर दोगे तो ख़त्म हो जाएगी, कभी कभी पोटेंशियल उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो आज जो मैसेज मेरा है उसमें मेरी इनकम के साथ साथ जो लोगों को मैसेज है वो यही मैसेज है कि आप आओ काम करो और यहाँ सेब भी उग सकता है, कीवी भी उग सकता है, नींबू भी उग सकता है, माल्टा भी उग सकता है और पॉली हाउस भी लगाया है, गाय बकरियाँ सारी कुछ सब कुछ हम दोबारा से स्टार्ट करें तो आज पहाड़ हमारा दोबारा से जीवित हो जाए। कहने गए आगे बढ़ने की रेस में आप अपनी संस्कृति पीछे ना छोड़ दें, दोनों को साथ लेके चले आपका। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। तो हमारे साथ अभी उत्तराखंड की जो जानी मानी हस्ती है या बोली सोशल मीडिया में आपने इनको जरूर देखा होगा भावना चौहान, आप नाम से तो पहचान गए होंगे, तो चलिए आपको उनके दर्शन भी करा दिए चलते हैं, वो मौजूद है, चलिए उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की है, क्या उनका अनुभव आज कार्यक्रम का रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार दिगड़ियों, क्या हालचाल है रान? आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैम आप यहाँ मौजूद हैं। हाँ, जो ये कार्यक्रम हुआ था युवाओं को भाषा से जोड़ने के लिए हुआ था। हाँ, आपको क्या लगता है कि युवा कहाँ पिछड़ा है भाषा से जोड़ने से? आपकी बतूमी मतलब आज जो जनरेशन हो जगह पहाड़ी में बोलूँगी, हाँ आज जो जनरेशन हो घर बिला जो नंदिन नन उन्हें दगाड़ ले हिंदी में बात करना सब जो ठुल हूं, तो मेरी एक ऊह की जो कमी आए पहाड़ बोल नहीं हो सके है मेरा गिल के उन्नी वाली जनरेशन पहाड़ का सब बोले कि हमारे जो घर माहौल हो वो मैं नंदिना दगाड़ पहाड़ में बोल रहा जो बात, क्योंकि बच्चे जो हो हिंदी इंग्लिश और भाषा स्कूलों में सीखी जाए पर पहाड़ भाषा घर माहौल ले नंदिन सीखा, तो बस इधर कौन जान। आपको क्या लगता है कारण क्या रहता होगा कि जो युवा है पिछड़ जाता है, क्योंकि अगर हम पंजाबी की बात करें वो पंजाबी जानता है चाहे वो कहीं भी रहे, हरियाणवी हरियाणी जानेगा, लेकिन जो पहाड़ी है वो क्यों पिछड़ जाता है? एक तो प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज के वर्ड्स बहुत डिफरेंट है थोड़े थोड़े एरिया में जाके ना, जैसे गढ़वाल में अलग कुमाऊं में अलग, बट पिछड़ क्यों जाते हैं ये रीज़न फैमिली की भी वो है कि फैमिली जो है घर में बच्चों के साथ आजकल हिंदी में ही बात करते ज़्यादातर, जैसे मेरे मतलब पहाड़ी नहीं आती थी मेरे को, दिल्ली में रही हूँ मैं बचपन से, पर मेरे घर वालों को जब मैं गाँव गई तो वहाँ सब पहाड़ी में बोलते थे, हमें समझ नहीं आती थी, फिर दिल्ली आए हम तो मेरे पापा मम्मी को ये लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा कि मतलब वो गाँव जाके अम्मा बब्बू के कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, तो उन्होंने एक वो बनाया कि इनसे घर में जो है
पहाड़ी में ही बात करेंगे, स्कूल में ये हिंदी इंग्लिश सीख लेंगे, तो वहाँ बेटी में आप पहाड़ होना है और ये आज सम्मान ले मेरा पहाड़ भाषा पर, तो बहुत बड़ा लगा। तो जैसे कि आप अभी, आपको बहुत सारे युवा सुन रहे होंगे उत्तराखंड से भी, उत्तराखंड के बाहर से भी जो उत्तराखंड वासी होंगे, उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो आप अगर उनको किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं भाषा के लिए, तो आप कैसे करेंगे? जैसे सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो कि लोग जो है बाहर के ट्रेंड्स को ला रहे हैं, मतलब जैसे हमारा कल्चरल है, अपनी कल्चरल चीज़ों को दिखाने में लोग आजकल जो है वो सोचते हैं कि बाहर का जो कल्चर है, बाहर की जो ड्रेसेज है वो ज़्यादा, मतलब जैसे बाहर से जो लोग आते हैं अंग्रेज वगैरह, वो हमारे इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। तो ऐसे जो पहाड़ के लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, मतलब पहाड़ में रहते हैं वो बच्चे जो हैं, बट वो बाहर के कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं। तो वही चाहती हूँ कि अगर अपने मतलब कल्चरल चीज़ों में जो मतलब अच्छे से बनाए, रील्स वगैरह जो भी बना रहे हैं सारी चीज़ें। कारण आपको क्या लगता है कि बाहर क्यों जाना पड़ता होगा युवाओं को, रोज़गार क्या इसका कारण है? हाँ, रोज़गार भी कारण है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पहाड़ में बहुत सारी सुविधाएँ नहीं हैं, मेरा जो गाँव वहाँ पर इंटरनेट नहीं है, वहाँ के लोगों को ये नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ काम, उन्हें यही नहीं पता, मतलब मैं फ़ोन लेके भी जाती हूँ गांव में तो वो सोचते हैं कि क्या कर रही है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, सुविधाएं बहुत कम है। अगर सुविधाएं होती हैं तो जो उत्तराखंड है काफ़ी आगे बढ़ सकता है, बहुत आगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, यहाँ के आर्मी के अलावा भी बहुत सारे टैलेंट है यहाँ। सर नाम बताइए अपना। मैं कुमाऊँनी बोलूँ जी, मेरा नाम दीपक सिंह भाकुनी छूँ, मैं सोमेश्वर चनौदर रूनु और एलमी हल्द्वाणी में कुमाऊनी भाषा लेजी काम करनो पूरे कुमाऊँ भर में, और यह हमारा आज कार्यक्रम चल रहा हूँ। किस जो समिति किस प्रकार की है आपकी? जो हमारा समिति का नाम है उजाऊ कुमाऊनी भाषा लेजी युवा तराण समिति, मतलब कि हमारी समिति युवाओं को कुमाऊनी भाषा बोलने में काम कर रही है, और अपो दुधबुल जो हमारे कुमाऊनी छू में हम काम कर रही, और हम चाहूँ कि हमारे जैसे युवा पीढ़ी हो, जो नंतिन हो, वो अपने भाषा को बुलाओ, क्योंकि वो अंग्रेजी बुलानी और भाषाएँ सीखनी, लेकिन हमारे यह कार्यक्रम में यह उद्देश्य चूँकि ताकि हमारे कुमाऊनी भाषा लोग बुलाओ और उनको गर्व महसूस हो कुमाऊनी बुलाने में, शर्म ना हो, ताकि वो अपने भाषा का उन्हीं वाली पीढ़ी देकर उनको शिका पा लो। जैसे कि आप जो इस समिति के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ के अभी आप संचालक भी हैं, आप इसका आयोजन भी कर रहे हैं, तो और आप खुद एक युवा हैं, आपको कहाँ लगा कि ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए, युवा कुछ ज़्यादा ही पिछड़ता जा रहा है? जी मैं हल्द्वानी में, मैंने 2016 में हल्द्वानी में आया और यहाँ मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया, तो जब मैं समाज में जाची तो जो समाज में जाची मेरा दगड़ी कुछ लोग अच्छी, तो मैं अगर कुमाऊनी में बोला चाहे लोग कुछ ही देखो कुमाऊनी में बोल रहा है गवार कहीं का, तो यह मेरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर समझ में आया कि जो युवा जो यह विचारधारा वाले छिन, तो मेरे को वहाँ पर लगो यार देखो हम कुमाऊनी लोग छिन और हम अपने कुमाऊनी में बुलाने में लोगों मानसिकता युवाओं खासकर युवाओं मानसिकता जैसे कि, तो यह मानसिकता का हटूना लीजिए मिल यो उजाव संगठन स्थापना करी, समिति स्थापना करी, ताकि मैं इमें कि इमें जदूल मैं अब जीवन भर अपने भाषा लीजिए समर्पित छिन, जा मेरे प्रयास हॉल की जी मैं अपनी भाषा लीजिए काम करूँ, वहाँ पर मैं अपनी भाषा काम करूँ। स्थापना कब की गई थी? स्थापना यह करी गई कि 13 राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन जो हमारी पहरू पत्रिका अल्मोड़ा से निकलती है, वो हर साल राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन कराती है, तो उस बार 13वां कुमाऊनी राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन बागेश्वर में था, तो बागेश्वर के नरेंद्रा पैलेस में हुआ था, तो मैंने कुमाऊँ भरा जदूले युवा कुमाऊनी में लिखनी उन्होंने बात कर बेर उन्होंने सलाह मशुरा ली बे उस दिन 26 दिसंबर 2021 में यह उजाव संगठन स्थापना है, तब बटी हम लगातार स्कूलों में कैंपेन करूँ कुमाऊनी भाषा प्रचार प्रसार, चाहे कुमाऊनी कविता माध्यम हो, कुमाऊनी साहित्य का हकीन पढ़ने लीजिए, कुमाऊनी संरक्षण का हकीन पढ़ने लीजिए, और वे बात फिर हम क्योंकि मासिक हमारा हर महीने का लास्ट आतवार के दिन रविवार के दिन हमारा एक काव्य गोष्ठी होती है ऑनलाइन, जो नए नए युवा जो कुमाऊनी में लिखना चाहते हैं उनको हम एक मंच प्रदान करते हैं, और ये हमारा पहला उजाऊ कुमाऊनी भाषा लीजिए युवा सम्मेलन ये है, और इसमें हम 10 कुमाऊँ भर के 10 युवाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो लंबे समय से अपनी भाषा कुमाऊनी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उन हम 10 युवाओं को, इसमें 5 युवती हैं 5 युवा हैं, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं और ये कार्यक्रम हमने यहाँ आयोजित किया है। बहुत खूब। जरा आज के कार्यक्रम के दर्शकों को बता दीजिए कैसे संचालित होगा, कौन कौन यहाँ पे आ रहा है, क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है? हमारे कार्यक्रम में सुबह सगुन आखर से हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, और उसके बाद हमारे यहाँ जो हमारा कुमाऊनी में यहाँ कुमाऊनी में प्रार्थना हुई, सारा मंच संचालन कुमाऊँ
में है, सारे कार्यक्रम कुमाऊनी में है, और जितने हमारे मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हमारे ललित खाती जी सोमेश्वर के निवासी हैं और दिल्ली में अभी एडवोकेट है, बहुत अच्छे समाजसेवी है, वो मेरे ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो मेरा गौबो उन्नी हूँ, तो मैं तो मुख्य अतिथि जी उन्नूलापुर कुमाऊनी भाषा में बात रखी, तो अल्ले एक बाजी हमारे कार्यक्रम मुख्य अतिथि ओहो रेडियो मेरी हिल की धड़कन आर जी कावी जी यहाँ पूजनी वाल चीन उले आप बात धराल, तो और वह बात फिर एक बाजी हमारे खान छू, वह बात दू बाजी हमारे कुमाऊनी भाषा युवा कवि सम्मेलन ले यहाँ छू, ताकि नई नई युवा जो ये कार्यक्रम में अरिन दूर दराज में चाहे जदुल जिले में वो अरिन क्यों उन्हें कवि सम्मेलन छू और उनको मंच देने लीजिए हम ये कार्यक्रम करो, तो बहुत बल दिन भर हमारे कार्यक्रम छू। और मैं आपको चैनल जे जन चैनल बहुत धन्यवाद करना चाहूँ क्योंकि लगातार 2016 में मेरा हल्द्वानी में चीन, तो जे जे न्यूज़ को मैं सुन लूँ देख लूँ और हल्द्वानी हर खबर का जे जे न्यूज़ दें, और आपको दर्शकों में निवेदन छू कि आपको कोई भी प्रोग्राम हल्द्वानी में करता है जे जे न्यूज़ यहाँ संपर्क करो, और मैं बात बताना चाहूँ कि बे ब्याह मिल 9-10 बजे संपर्क करो, लेकिन एक दिन पहले कौन अभी तुरंत जे जे न्यूज़ हमारे टाइम समय टाइम में पूछ के, तो बहुत बहुत और आपको चैनल माध्यम में ये कौन चाहूँ लोगों की आप लोग अपने कुमाऊनी भाषा का बुलाओ, आप दुधबल का पछाड़ो, और खासकर जो हमारे अभिभावक गण उन्होंने निवेदन छू कि आप नंतना का कुमाऊनी भाषा परिवेश दियो ताकि वो कुमाऊनी बुलाओ, क्योंकि ऐसा होता है जो मातृभाषा होता है वो बच्चे बचपन में ही सीखा जाता है, और अगर मातृभाषा का बचपन में नहीं सीखा तो वो फिर नहीं सीख पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत समय देने के लिए। नमस्कार, मैं सोनू प्रीति और मैं सोमेश्वर मनान से मनान बटिया रही, और यहाँ हमारा एक कार्यक्रम चल रहा उजाओ युवा भाषा लीजिए युवा तरण समिति हमारे उजाओ या काम कर रहे हैं, जो हमारे कुमाऊनी भाषा छू बोली छू उनको बढ़ोने लीजिए हम बहुत प्रयास यहाँ करण लग रही है, तो एक अमूल्य हमारे जो छू साल पूर्व होना हुई उपलक्ष्य में 26 तारीख को साल पूर्व हर, तो अमूल्य जो कार्यक्रम यहाँ कर रखो और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हम यहाँ धरण लग रही है। जैसे कि आप युवाओं को कहीं कहीं प्रेरित कर रहे हैं कि अपनी भाषा से जुड़े, तो आपको क्या वो आपका पॉइंट रहा कि आपको लगा कि नहीं ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, अब युवा कुछ ज़्यादा ही पिछड़ता जा रहा है अपनी भाषा की? यह सही प्रश्न तुम पूछो कि युवा यह भी पिछड़ते जानो जहाँ तक मेरे पूछू कि जब तक हम नानतीन हमारे नाना नान घर में होनी, जब तक इज खासकर जो इज हुनी या आम बूब जो छन वो आपको नानतीन हो नहीं बुलाला, तो वो नानतीन नहीं सीखो ठूला बेल कसी सीखो लो, जब एक नींव बेटी होनी बुलाना जो प्रयास, अगर हिंदी हम बुला लूँ बढ़िया बुलानू, अंग्रेजी ले हम नानतीन दगा बुलानू और जिला हम बुलानू नानतीन पकड़ू, तो आप वो कुमाऊनी भाषा को बुलाने लीजिए नानछना ने नानतीन बुलाओ, तो आप ही हमारे युवा एल मतलब सक्षम हो भाषा को बुलाने लीजिए। जैसे कि अमूमन हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं पहाड़ वगैरह हम जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पहाड़ी बोलने लग जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना भाबर, अगर पहाड़े बोलो तो अगर भाबर में हम आए तो जो बच्चे नहीं बोलते हैं तो शर्माते हैं, तो क्या लगता है कि पलायन भी इसका कारण रहता है? पलायन ले छू एक कारण उदू तो नहीं लागन में को, क्योंकि हमारे जो परिवेश कुमाऊनी वहाँ छू मिल की वहाँ अध्यापिका पद पर कार्यरत छू मैं सोमेश्वर में, लेकिन जो हमारे स्कूल नानतीन छन वो घर में तो बुलानी, लेकिन स्कूल में वो अंग्रेजी में बुलानी हिंदी में बुलानी, क्योंकि स्कूल में हम यस माहौल उनको दे रखो कि वो हिंदी ज़्यादा प्रयोग करो और अंग्रेजी भाषा प्रयोग करो, क्योंकि अंग्रेजी हमारा विषय वाली भाषा है, और लेकिन जो घर में अपन भाषा छू नर वो कुमाऊनी में बुलानी, क्योंकि उन्हें इज बाबू आम बड़बाजू सब भाषा में उनको वो बोली में उन्होंने बुलानी, यह भी उन्हें जो छू सक्षम छू। अब हमारे जो शहर है ना नानतिंग छन, एक थोड़ा सा मिको या लागू सही बात छू या गलत वो मैं नहीं कहूँ, लेकिन मे तरव को नहीं, क्योंकि हमको जो छू आप भाषा को बोली को बुलाने में शर्म छू, मैं मुख्य बात छू या को तुम मानो या न मानो, जब तक यह शर्म नहीं जाल, एक पंजाब छू वो आप पंजाब बुला बढ़िया बुला आपस में बुलानी, हमार गढ़वाल बल कदू भाई बहनी छन वो आपस में अजर कत्ती मिल जाला, या हॉस्टल मनी छन नानतीन पढ़नी वानी वो अपन बोली को बुलानी वा, लेकिन एक कुमाऊनी छू को बहुत शर्म लगू आप हुकुम, लेकिन जब तक यह शर्म नहीं खत्म हो तब तक कसी हमारे पास बोली जो छू। जैसे आपने एक बार शर्म की और अमूमन देखते भी हैं, जैसे अगर आप प्लेन्स की बात कीजिए, अगर यहाँ से कोई पहाड़ी बोल ले किसी से, तो एक होता है कि पहाड़ से आया है क्या, उस प्रकार का मौका लड़ाया जाता है, तो जो व्यक्ति शर्माए भी ना उसको भी ऐसा हीन महसूस कराया जाता है, तो क्या लगता है कि युवा जो इस प्रकार की मानसिकता लेके चल रहा है, ऐसे कार्यक्रम और कितने किए जाने चाहिए आगे? कार्यक्रम करूँ एक अलग बात छू, लेकिन उमें ऊण
अगर जो यहाँ हमारे इधु उजाओ संगठन हम काम करोनी आई थी यह सम्मेलन हमूल कर रखो अगर ये यमा जदूला युवा छन वो यह बात को यहाँ पर पकड़ भी नहीं जाना है बोलने वाले तो बुला ले बुला है ना। तो एक चीज हमको स्वीकार ल कर चुकी हमूल यह आज भी प्रण कर चुकी हमूल ये बुला छू है ना कोई ला बुला आप इजू बुलाओ बाबू हूँ बुलाओ एक प्रयास छू मैं चेल चार साल की छू तो यह फर्स्ट क्लास मतलब बढ़िया मी हुई जगह कुमाऊनी में बात करूँ आपको घर में तो बुला पिछड़ बार हमारे पहरू सम्मेलन थरची पिथौरागढ़ में वील कुमाऊनी में वो करी कुमाऊनी में मेरी कविता वो करी तो यानी वो एक परिवेश से फर्क फर्क पड़ता है। आज बताइए माहौल कैसा है यहाँ का जरा लोगों में उत्साह कैसा देखने को मिल रहा है आपको? उत्साह मिलना बहुत बढ़िया किले की यह नाम युवा सम्मेलन छू तो युवा यहाँ आ रही तो बहुत भल लग रहा और युवा में उछू लेकिन बस ईद को उछू कि आपस में जो हमारे बोलचाल छू उछू और उमें बढ़ावा मिले ना कत्ती ना छू आप बुलाओ बस ना कुछ कर बे किले की अब कुमाऊनी कुमाऊनी इच्छा उत्तराखंडी ना चाह छ हम गीतन में कर दू लेकिन बुलाने में के शर्म छू के दिक्कत है आज भाई यह चीज़ें शुरुआत होने चाहे तो हमारी बोली भाषा जो कुमाऊनी छू बची रोल और यश कार्यक्रम आगे कल बहुत करवाते बहुत अच्छी बात। तो हमारे साथ अभी वायरल जो बॉय हैं वो मौजूद हैं संदीप सिंह, आपने भी इनका एक वीडियो है देखा होगा वो भैंस को नहराते हुए कुछ 80,000 से जुड़ी बातें कर रहे थे। तो चलिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते उन्हीं से मिलाते हैं कि आखिर कौन है और आज उन्होंने यहाँ शिरकत की है। तो चलिए जानते हैं कि कैसा लगता है जब ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। हेलो पहला दगलियो नाम बताइए अपना। मैं नाम छू संदीप सिंह बिस्ट उसी में जो आधार कार्ड वेल कुन पर मैं आधार कार्ड में संदीप सिंह छू या संदीप सिंह कुन। अच्छा वैसे संदीप बिस्ट जी ठीक है कहाँ के रहने वाले हुए आप? हम अल्मोड़ा सोमेश्वर लोध। आज यहाँ आप आए हैं बताए कुछ पता है कि क्या कार्यक्रम है क्या हो रहा है हमें? तो हाँ आज यहाँ जो है मतलब जो हमारी कुमाऊनी भाषा है उसके लिए जो है बहुत से कलाकारों को बुलाया गया है और जैसे कि इधर है उजाऊ कुमाऊनी भाषा लीजिए युवा तराड़ समिति तो इन्होंने जो है हमें भैया लोगों ने पहले बता दिया था कि हमारा यहाँ जो है प्रोग्राम है तो हमारे जो इस प्रोग्राम के लिए जो है एक छोटी सी वीडियो बना दो। तो हमने बोला भैया क्यों नहीं हम जरूर बना देंगे तो हमने बनाया था और भैया ने बोला आप लोग भी जरूर आना तो हमने भैया से बोला था हम जरूर आएंगे। भैया अभी आपने क्या अभी आपने स्टेज में थे क्या आपने किया अभी क्या परफॉर्मेंस दिया? तो जो मैं अपने चैनल में बताता हूँ जैसे कि हमारे चैनल में जैसे कि मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ आता है वही करता हूँ। तो नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ के इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम आ रहे हैं अल्मोड़ा के इन घने जंगलों में और काफ़ी जोर भी मारते हैं जैसे कि अलगो भी कौसागा मटर में मिल दे वंडे चुभराता जल्दी बट दे फिर वो भी करते हैं। हाँ वो हो ऐसा होते रहता है वो पत्थरों में जाकर छोटी बहन आपका गैंग भी है ना थोड़ा सा हाँ, बच्चों का हाँ ये सब असली में ये हुआ ना कि जब कोरोना का टाइम था तो हम सब ऐसी आवारा घूमते थे तो हमारे भैया जो थे दीपक सिंह मेहरा तो उन्होंने हमें जो है एक छोटी सी पाठशाला शुरू करी कैप्पा पाठशाला करके तो वहाँ से हमने ये एक्टिंग करनी ये सारी चीज़ें जो है वहाँ से शुरू करी। आपका परिवार कितना इंस्टाग्राम में फेसबुक में कितनी फॉलो? फेसबुक में जो है 2.25 लाख हैं और इंस्टा में जो है कैप्पा ऑफिशियल में उसमें 19K हैं और यूट्यूब में 9K हैं। मतलब अच्छा खासा आप काफ़ी छोटी उम्र है आपकी काफ़ी आप बच्चे हैं और लेकिन अच्छा खासा आप लेके चल रहे हैं। आगे उत्तराखंड की संस्कृति को कहाँ तक ले जाने का विचार है? दीदी जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति है ये तो पूरा पृथ्वी है पृथ्वी के बाहर तक ले जाएंगे हम मंगल ग्रह तक ले जाएंगे। मंगल ग्रह तक हाँ बिल्कुल। और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे शर्माते हैं पहाड़ी बोलने में? आप अभी भावर में आए हैं भावर में किसी बच्चे को सुना पहाड़ी बोलते हुए? हाँ तो दोस्तों पहाड़ मतलब हिंदी मैं भी बोलता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ना यहाँ जहाँ पर जैसे कि हम भावर मार के हल्द्वानी मार के यहाँ मतलब कम जनों का आती है मतलब पहाड़ी फिर भी ना मतलब बहुत से लोग जो हैं जो हिंदी बोलते हैं अगर उनसे मुझसे आप पहाड़ी सुनेंगे ना तो ऐसा लगता है इन्होंने कुछ मीठे स्वर गा दिए हैं। तो मैं भी हिंदी में बोलता हूँ क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता तो हमारी जो अक्सर वीडियो पहाड़ी में भी आती है हिंदी में भी आती है क्योंकि बहुत लोग जो है गुजरात से बोलते हैं गुजरात मुंबई ऐसे जगह से बोलते हैं कि भैया हमें पहाड़ी समझ में नहीं आती तो हिंदी में बोल दो तो इस याकल जी दगोलियो हम पहाड़ी हिंदी सब में वीडियो बनू लूँ। ठीक है धन्यवाद सर बहुत जी। नमस्कार सर आपका नाम? मेरा नाम दामोदर जोशी दीवानसु है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे तो मूल रूप से तोली कपकोट जिला बागेश्वर का रहने वाला हूँ रूणीश हूँ बोल सकते हैं और रहने वाला हूँ लेकिन अब इधर हल्द्वानी में ही रहता हूँ। अच्छा हल्द्वानी में रहते हैं। हल्द्वानी में रहता हूँ। आज आपने यहाँ शिरकत की है किस प्रकार का माहौल पहले आपको देखने को मिला उत्साह कैसा है लोगों में यहाँ पे?
देखिए मैं तो उन्नीस सौ सत्तर से काम कर रहा हूँ कुमाऊनी में, और उसमें ही मेरी करीब करीब एक किताब निकल गई थी और वो शैशवकालीन किताब थी। उसके बाद मैंने सन 94 से लेकर के इसमें लगातार ही मैं अपनी रचनाएँ प्रकाशित कर रहा हूँ। एक घर एक कुंभगढ़ नाम की पत्रिका का भी संपादन करता हूँ। बीच में मैंने देखा कि कुमाऊनी साहित्य में पद्य तो बहुत लिखा गया है लेकिन गद्य बहुत कम है, गद्य कम है, तो मैंने 1994-95 से कुमाऊनी जो हमारे साहित्यकार थे, बड़े बड़े साहित्यकार थे, उन सबको ले करके सामूहिक संकलन निकालने की योजना बनाई। चूँकि मेरे पास अपने पास दो चार एक गद्य लेख थे, निबंध थे, तो वो उससे पूरी किताब नहीं बनती थी, इसलिए मैंने ये प्रयास किया कि सारे जितने भी जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में फैले हुए कुमाऊनी लोग हैं उन सब के गद्य लिए जाएं, चाहे वो देव सिंह पोखरिया अल्मोड़ा में हैं, शेर सिंह बिष्ट जी अल्मोड़ा के हैं, दिवा भट्ट जी अल्मोड़ा, और दूसरे इसी प्रकार कलाकार साहित्यकार हमारे, उन सबको लेकर के मैंने सामूहिक संकलन निकाले, गद्य संकलन निकाला, कहानी संकलन निकाला, नाटक संकलन निकाला और संस्मरण निकाला। तो खुद मैं इस विधा में काम कर रहा हूँ, कर रहे काम। आप यहाँ आज मौजूद हैं, आप पहले तो आप बहुत बुजुर्ग हैं, आपने पूरी जिंदगी अपनी लगभग देख ली है, आपने हर उम्र के लोगों को देखा होगा, हर उम्र के लोगों का अनुभव किया होगा, क्या लगता है कि आज का जो युवा है अपनी जो भाषा से पिछड़ता जा रहा है, क्या उसका मुख्य कारण क्या होगा उसका? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण एक तो पलायन है हमारा, जो गांव घरों में बोलने वाले लोग थे वो वहाँ रहे नहीं और बाहर पलायन कर गए। दूसरा ये है कि वैश्वीकरण के इस दौर में उसका प्रभाव अवश्य हम पर पड़ा हुआ है। तो हमारे गाँव में भी अब क्योंकि बोली ऐसी चीज़ है, जब तक वो बोली जाएगी तभी प्रचलन में रहेगी, तभी तक बोली है अपनी। अब क्योंकि हम देख रहे हैं प्रचलन में कुछ है नहीं, गाँव में भी मम्मी और डैडी और हेलो, जब से फ़ोन आया है हेलो और ये सब चल रहा है। तो हम देख रहे हैं जब तक प्रचलन में भाषा न हो, दुखदायी बात यही है यहाँ के लिए। जैसे हम देखते हैं कि आज तक कुमाऊनी भाषा का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन अमूमन देखते हैं कि जो युवा आजकल हिंदी भी पूरी तरह से नहीं जानता, अगर आप शुद्ध हिंदी की पूछ लीजिए तो वो भी उसका भान उसको नहीं है, बिल्कुल ज्ञात नहीं है, ना वो अपनी बोली जान पा रहा है ना अपनी भाषा जान पा रहा है, वो कहीं ना कहीं मॉडर्निज्म के पीछे की इस प्रकार से दौड़ रहा है कि सब पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा जैसे आज का कार्यक्रम था यहाँ पर बहुत अच्छा, दीपक भागुनी एक नया कम उम्र का ही बच्चा है, वो अभी बच्चा ही हमारे नज़र में, तो उसने कार्यक्रम अच्छा कराया है, इससे प्रेरणा अवश्य मिलेगी हमारे युवा साहित्यकारों को, क्योंकि उसका नाम भी उजाऊ युवा भाषा साहित्यकार सम्मेलन रखा है उन्होंने, तो मुझे उसको देख के बहुत खुशी हुई। युवाओं को क्या संदेश है? युवाओं के लिए हमारा यही संदेश है, जैसे कि मैंने अभी मैं मंच से बोल भी रहा था कि मेरा वही अभियान है, यानी वो पहले तो खुद बोलें, खूब पढ़ें, दूसरों को पढ़ें, हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनको पढ़ें और पढ़ करके तब लिखें। खासकर हमारे यहाँ जो बोली है हस पर जिया, उसको हमने मानक कुमाऊनी माना है, अल्मोड़े के आसपास जो बोली जाती है वही कुमाऊनी है और हमारे चंद राजाओं के समय से भी वह राजभाषा रही है, जो उसमें के शिलालेख वगैरह मिलते हैं या वो सब जो भी हैं उसमें का है विरासत में, वो सब इसी भाषा में है खस पर जिया में। तो मेरा निवेदन ये रहता है जहाँ भी मैं जाता हूँ कि भाई आप खस पर जिया में लिखने का प्रयास करें। अन्य हमारी जो उप बोलियाँ हैं, सोरियाली है, सीरियाली है, कुमैया है, खस चौगरखिया है, पछाई है, दनपुरिया है, ये सब भाषाएं इनका प्रयोग भी होना ही चाहिए, मगर जब आप बड़ा साहित्य बड़ी रचना लिखने जा रहे हैं तो उसमें हमको खस पर जिया में ही
मानक भाषा में लिखना चाहिए और खासकर इसमें गद्य को लिखना चाहिए। गद्य विधा में, गद्य विधा में भी मैं ये कहूँगा कि नाटक लिखा जाए, नाटक से ही गद्य यानी मजबूत होता है, समृद्ध होता है, विकसित होता है। और हमें ये मालूम है कि अंग्रेजी साहित्य भी तभी विकसित हुआ, तभी उसका विकास हुआ जब शेक्सपियर जैसे विद्वान नाटककार उसमें पैदा हुए। कहने का युवाओं को पहले पढ़ना है फिर उसको लिखना है, और जो गद्य लिखे युवा ज्यादा अधिक गद्य लिखें। मेरा संदेश यही रहेगा कि गद्य लिखें। धन्यवाद सर बहुत समय देने के लिए। नमस्कार मैम, आज यहाँ पे कुमाऊनी भाषा से जुड़ा एक कार्यक्रम किया जा रहा है युवाओं को प्रेरित करने के लिए, बताइए जरा क्या है कार्यक्रम? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार पहला। मैं कविता फर्तियाल, उजाऊ कुमाऊनी संगठन युवा समिति सदस्य। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि उत्साह है युवाओं में, काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला है, और ये कार्यक्रम जो है बेसिकली ये युवाओं के लिए ही है कि युवा आगे आए अपने वरिष्ठों को देख के, तो इस पे ही ये कार्यक्रम है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाए, और अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं इस पे अच्छा काम हो, और आगे इस पे ये क्योंकि ये हमारी पहचान है, तो हमें अपनी पहचान को बचाने हेतु जो भी हमें हम काम कर रहे हैं और जो भी हमारा प्रयास है वो हम आगे को करते रहे, ताकि ये जो हमारी भाषा बोली है ये विलुप्त ना हो, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पहाड़ी भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, वो हिंदी में बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बात करते हैं। तो हम अगर यहाँ पे पैदा हुए हैं, ये हमारी मातृभूमि है, और ये हमारा जो अपना कुमाऊं का हमारा परिधान है, हमारा कल्चर है, हमारी भाषा, इसे हमें बचाना चाहिए। इससे एक सीख भी युवाओं को मिलेगी, और आने वाली जो पीढ़ी होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहेगा। अगर हम युवाएं इस पे काम करेंगे तो आने वाली जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे पीढ़ी हैं, वो भी इस पे काम कर सकते हैं। जैसे आप खुद काफ़ी यंग हैं अभी, और आप इस प्रकार के कार्यक्रम से जुड़ी हैं, क्या लगता है आपको जो यूथ है वो आखिर क्यों शर्मा रहा है अपनी भाषा बोलने? ये मतलब जैसे क्या है कि पहाड़ से लोग शहरों में आने लगे हैं, पलायन इसको हम बोल सकते हैं। तो शहरों में जैसे आते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है हिंदी, और फिर थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, तो वो हिंदी और इंग्लिश की तरफ ज़्यादा है, हिंदी से भी इंग्लिश की तरफ वो ज़्यादा है। अगर मतलब थोड़ा सा किसी को इंग्लिश ज़्यादा आती है तो वो हिंदी में बात करना पसंद नहीं करता है, जहाँ पे मैंने काफ़ी बार देखा है ऐसा ही होता है। और जिसे थोड़ी सी इंग्लिश आती है वो फिर अदर लोगों को, मतलब कि जैसे जो कुमाऊनी से हैं और जैसे जो हिंदी में ही बात करते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमसे ज़्यादा मतलब कोई इस कोई नहीं। हाँ जी बिल्कुल, तो यही चीज़ है, पलायन हो रहा है। क्योंकि और पलायन का एक कारण ये भी है कि वहाँ पे रोज़गार नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, और तो जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो आने वाले कुछ समय में एजुकेशन भी वहाँ पे अच्छी होगी। और कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, रोज़गार भी इसका कारण रहेगा, रोज़गार के लोग नीचे आज शहरों की तरफ आ रहे हैं जिससे भाषा छूट रही है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार को ये देखना भी चाहिए, ऐसे अगर पलायन होता रहेगा तो फिर जैसे हम लोग यहाँ पे ये सम्मेलन कर रहे हैं तो जो हमारी भाषा है वो सिर्फ सम्मेलन तक ही सीमित रह जाएगी, कि बस एक साल में प्रोग्राम हो रहा है या दो साल में प्रोग्राम हो रहा है, उस तक ही सीमित रह जाएगी। तो एजुकेशन और जो हमारा रोज़गार है वो अगर पहाड़ों की तरफ होगा तो पलायन का जो ये है वो कम होगा। हाँ जी, धन्यवाद मैम बहुत समय देने के लिए। थैंक यू। तो देखा आपने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में कि किस प्रकार से हल्द्वानी में यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण युवाओं को अपनी भाषा के लिए प्रेरित करना है। जहाँ आज का युवा अपनी भाषा को बोलने में कतराता है, और खासकर कुमाऊनी भाषा के प्रति जो लगाव है वो युवाओं का कम होते जा रहा है, इसी को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जो हमने इस पूरी रिपोर्ट में जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात की, वो भी काफ़ी यंग हैं, और हमने जो विचार हैं वो भी आपके सामने रखे, और उसके साथ ही हमने मुख्य अतिथि से भी बात की कि किस प्रकार से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा हमने अन्य सदस्यों से, जो भी यहाँ में लोग मौजूद रहे, उन सभी से बात करने की कोशिश की और आपके सामने रखा है। इसके साथ ही हमने इस रिपोर्ट में जो वायरल बॉय है उत्तराखंड का, उससे भी बात की, और जिस प्रकार से उसने बात सामने रखी है कि वो भी काफ़ी छोटी उम्र का है लेकिन किस प्रकार से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, और किस प्रकार से युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए, इस संबंध में उसने भी अपनी बात सामने रखी है। इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी तनुजा के साथ पल्लवी, जे जे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।
बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है ये जियो सिनेमा और हॉटस्टार डिज्नी और हंगामा मतलब मेनली अभी 5 आउटलेट पर हम बात कर रहे हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मेरा रिएक्शन यही था कि हाँ क्योंकि मैंने इसको अपने ऊपर लिया और हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ ही उत्तराखंड में ही नहीं पूरे जगत में जितने भी हम लोग जैसे जहाँ भी रहते हैं सबके साथ ऐसा होता है।